क्या नहीं ताजी है डियर गैंग। तो पबजी गॉट बैंड, व्हाट अ सरप्राइज। हमारे मुल्क में कुछ बैन कर दिया गया जिससे बैन करने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ना। मुझे लगता है गवर्नमेंट की ना कुछ इस तरह की मीटिंग्स होती होंगी। तो क्या इशू चल रहे हैं आजकल मुल्क में, इकोनॉमी के? अच्छा, उसको सॉल्व करने के लिए आई थिंक पबजी बैन कर देते हैं, ठीक है, जिससे आउटरेज होगा ऑनलाइन, लोगों की अटेंशन दूसरी साइड चली जाएगी। हैर, इस टॉपिक पे कहने को ऐसा कुछ नहीं है जो तुम हजार बार ऑलरेडी नहीं सुन चुके, तो मैं वो चीज़ रिपीट नहीं करना चाहता। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि बैन वो चीज़ करो ना अगर करनी भी है, ठीक है, ये भूल जाते हैं हम कि उसका फायदा है या नहीं है या करना चाहिए या नहीं। अगर बैन कर भी रहे हो ना, फिर ऐसी चीज़ों करो जिनकी मुतबादिल ना हो, ठीक है, मुतबादिल, वाओ। हैर, हाँ, तो अब मतलब पबजी बैन हुई है, फ्री फायर आ जाएगी। अगर तुम परमानेंटली बैन भी करते हो, कोई और गेम उसकी जगह ले लेगी, उतनी हाइप पकड़ लेगी थोड़े टाइम में, तो व्हाट्स द पॉइंट डियर। अगर बैन करने का मकसद लोगों को खेलने से रोकना है, तो हमारे मुल्क में कुछ और चीज़ें भी बैन है जिनकी कंजम्पशन में पाकिस्तान माशाल्लाह से टॉप पे आता है। तो आप अपना मकसद तो पूरा कर नहीं पा रहे, शोशा छोड़ना है तो वेल डन। हैर, पब्लिक जो होती है ना वो सब जानती है गेमिंग के बारे में। आप बूमर से पूछोगे तो जाहिर सी बात है आपको सही ओपिनियन मिलेगा। मतलब ये इस तरह ही है कि तुम जल्द सुबह जो शोर डाल लेते हैं, सिर्फ उनसे पूछोगे इकोनॉमी किस तरह चलानी है या कंट्री किस तरह रन करना है। अच्छा, ये हमेशा से होता आ रहा है। अच्छा, सॉरी। हैर, बड़ी मुश्किल से मुझे इंटरव्यू मिले जिनमें वो रेलिवेंट लोगों से क्वेश्चन पूछ रहे थे इस चीज़ की, जिन पे आज हम नजर डालेंगे। वैसे तो मतलब हमें आदत होगी है ना कि जिस बंदे का कोई तलक ही नहीं है किसी फील्ड से, उसको पूरी मिनिस्ट्री पकड़ा दो, तो रेलिवेंसी की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही। पबजी पर पाबंदी लगा दी है, क्या करोगे अब? पबजी देखें, वैसे तो एक गेम है। एक मिनट रोक जाओ, पबजी एक गेम है। और फिर लोग कहते हैं कि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो इल्म हासिल नहीं करती। Who would have thought कि PUBG एक गेम है? Oh my God! इसको बंद करना अवाम का नहीं बनता। हाँ, ओए अवाम, बात सुनो, PUBG को बैन नहीं करना। चल चल, देखो ऐसी बातें करोगे फिर उन्होंने यही कहना है कि PUBG के लोगों के ज़हन पे बुरे असरात हो रहे हैं। उसको PUBG से मोहब्बत थी। PUBG से मोहब्बत हर किसी इंसान। खूबसूरत नाम है ये ना? बहुत खूबसूरत नाम है। हाँ, ये तो वेरी नाइस नाम है, ये तो हम सब की पसंद का नाम है। पबजी कितना अच्छा लगता है प्रोनाउंस करते हुए। एक अच्छी गेम है, एक अच्छा प्लेयर है ये पबजी, एक अच्छा प्लेयर है ये पबजी। गाइस, हमें सबसे बेस्ट प्लेयर मिल गया, डायनामो स्काउट दफो श्राउड। वो कौन है? पबजी, द बेस्ट पबजी प्लेयर इज पबजी। अब इसको बंद करना तो आहिस्ता आहिस्ता तो हर एक चीज बंद होती जाएगी। ओके, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। पबजी के बड़े अच्छे असरात में देखो, उसको कितनी अच्छी तरह पता है कि अब पबजी बैन होगी, अब तो सब कुछ बैन होता जाएगा। कल को पानी बैन होगा, फिर ऑक्सीजन बंद होगी, फिर उसके बाद ये लोग ट्रैफिक को बंद करेंगे, फिर उसके बाद एयरप्लेन बंद होंगे, फिर उसके बाद लोगों का सांस लेना बंद होगा। अच्छा, ये सब कुछ भी हो रहा है, सॉरी। आप बतौर प्लेयर क्या रिएक्ट करेंगे इस पे? ये सरासर इंसाफी है जी, ना इंसाफी है। ना ना, देखो हम बचपन से यही सुनते आ रहे हैं, जो पहली बार मुंह से निकलता है वही सच होता है, तो फिर ये इंसाफी है। तरीके इंसाफ, डूइंग इंसाफ। पबजी बंद हुई, लाशें बचा देंगे लाशें। ये हम आवाम को बता रहे हैं कि हम कॉलेज के लड़के हैं, हमारा लव है पबजी। फिर कहते हो गवर्नमेंट फजूल में कह रही है कि पबजी के बुरे असरात हैं। अब वो कैसे न कहे हैं, लाशें बिछा देंगे, क्लासिक मैच चल रहा है जी, 100 प्लेयर्स हैं, लाशें बिछा देंगे, नॉकआउट कर लेंगे, हैर है, बाद में रिवाइव हो जाएगा। बाहर आ जाओ पबजी से। सबसे ज्यादा तो ये हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, बच्चों को नंबर नहीं सही मिलता, ये आपको भी पता है। 9th क्लास के लड़के पाबंदी होगी, उस पे भी पाबंदी लगा दें, एजुकेशन बंद कर दें आप। अच्छा, ये आर्गुमेंट और इस तरह की और कंपैरिजन मैंने बड़े सुने हैं पबजी की डिफेंस में। देखो, तुम्हें अगर डिफेंड करना है ना, करो, मैं नहीं कह रहा बैन करें, लेकिन इतना वीक आर्गुमेंट मत रखो जिसको आगे से गवर्नमेंट या मतलब जो भी इदारा है, पीटीए वगैरह, वो मतलब सिंपली ये बोल के डिफेंड कर लें कि पबजी इंसानियत की, ठीक है, इंसान की कोई बेसिक जरूरत नहीं है, क्योंकि गेमिंग इंसान की बेसिक जरूरत नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी है, ठीक है, लेकिन इल्म एक बेसिक एक्टिविटी है। अब उसके साथ में कुछ नुकसान है तो वो और चीज़ है, लेकिन मतलब डिफेंड करना भी है ना, कुछ कम दी गलना करो। तो आप पबजी खेलती थी? हाँ जी। कौन से स्टेज पे थी? नवाज शरीफ से नाल दे सांसी। नवाज शरीफ का क्लैन था और हमें पता ही नहीं था। मतलब अगर पता होता और हम ज्वाइन करते उस क्लैन को, असल लूट तो फिर होनी थी। नवाज शरीफ के दौर में पबजी सही चल रही थी? बिल्कुल सही चल रही थी। ये बात अब मुझे यकीन हो गया कि इमरान खान फोर्टनाइट का एजेंट है। वो चाहता ही नहीं है कि हमारे यहाँ पबजी सही चले, वो फोर्टनाइट के सर्वर्स को लाना चाहता है यहाँ पर। इमरान खान एक्सपोज्ड। पबजी अगर ना खुली तो क्या होगा? देखे मजदूर भूखे मरेंगे। देखो, मैं पहले कह रहा था बच्चे बहुत सीरियसली ले रहे हैं पबजी को, यहाँ पर बूढ़ों का भी वही हाल है,
उन्होंने सुना होगा चिकन डिनर, उन्होंने कहा ये तो रोजी पे लात मार रहे हैं पीटीए वाले। खैर दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगर किसी गेमर के मैंने ऐसा साथ मजरूह किया है तो मैं तय दिल से आपसे माफी मांगता हूँ। और तुम लोगों को पिछली बार मैंने कहा है कमेंट करने का, ठीक है, एक लफ्ज़ दिया फिर तुम लोगों ने कमेंट से बाहर दिया, तो आज का कमेंट है डियर गैंग, सो या गो अहेड, अल्लाह हाफिज़।